तो शॉर्टकट्स की बात हम कर रहे हैं इस क्लासेस में, ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस में प्रशांत जी है, प्रशांत जी के साथ हम बात करेंगे शॉर्टकट्स। और सबसे पहले जानिए, शॉर्टकट से पहले हमें पता करना होगा हेल्प के बारे में, हमारा एक्सेल का हेल्प क्या है। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ लेते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, एक्सेल के साथ यूजर मैनुअल आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भूल गए, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भूल गए, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज की जरूरत है। थोड़ी सी अगर पता चल जाएगी आपको तो आपको पता आइडिया लग जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। जस्ट इस पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन दिखेगा, इससे समझ में नहीं आया तो टेल मी मोर पे क्लिक करें, आपको यहाँ एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल। अब बोलेंगे सर एक्सेल हेल्प क्यों दिखा रहा है। देखिए, जनरली हमें प्रॉब्लम होती है या किसी ऑप्शंस के बारे में जानना होता है तो हम कहां जाते हैं, हम जाते हैं एक्सेल, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वहां पता चलता है। लेकिन गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है, गूगल पे हम जैसे आप जैसे लोग अपने आर्टिकल में, अपने वेबसाइट में डालते हैं, इसका कोई प्रूफ रीड नहीं होता, बट माइक्रोसॉफ्ट ने डाला है तो माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से प्रूफ रीड करके डाला होगा। इसलिए कुछ अगर सर्च करना है तो पहले आप एक्सेल हेल्प में सर्च करें, अगर वहां से समझ में नहीं आता या फिर आपको वहां से अपने जो जो चीज चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको नहीं मिलती है, आफ्टर देन आप किसी और फीचर्स के ऊपर जाएं। अब बात करते हैं इसमें शॉर्टकट्स की। अब शॉर्टकट्स क्या होता है, किसी भी ऑप्शन को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक, पहला हम उसके ऊपर जो उसका ऑप्शन है उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा तो शॉर्टकट, जैसे कि इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी है तो मैं कंट्रोल सी कर लिया। शॉर्टकट से बेनिफिट क्या होता है? देखिए, शॉर्टकट से बेनिफिट ये होता है कि आपका स्पीड बढ़ जाता है। जी हाँ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा पाया गया है कि आप सारा काम अगर कीबोर्ड से करते हैं, माउस का यूज नहीं करते हैं, तो माउस की अपेक्षा आपका 30% का स्पीड बढ़ जाता है। मैं भी इस बात से एग्री हूं। तो कैसे पता चलेगा शॉर्टकट? शॉर्टकट्स पता करने के लिए जस्ट दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसके ऊपर कर्सर ले जाएं। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे उसका शॉर्टकट आपको पता चल जाएगा। बट ये तो कभी लंबी हुआ, मुझे एक लिस्ट चाहिए क्योंकि मैं सामने में डेस्क पे लगा दूंगा और उसमें से देख देख के काम करूंगा। तो इस लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेल हेल्प। जी हाँ, यहाँ एक्सेल हेल्प दिख रहा है, एक्सेल हेल्प पे जाइए या ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा सर्च में टेल मी मोर, उस पर जाइए और सर्च कीजिए शॉर्टकट। आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्लिक की और यहां पे सारे एक्सेल के शॉर्टकट्स अवेलेबल है। प्रिंट आउट निकाले, इसको कॉपी कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्टकट्स, क्योंकि मुझे काफी वीडियोस पे कमेंट मिले हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा शॉर्टकट लिस्ट। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको पीडीएफ में डाल दूं या वर्ड में डाल दूं तो वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक्सेल हेल्प से निकालना सीख लेते हैं तो आपके पास शॉर्टकट का लिस्ट हमेशा रहेगा। अब शॉर्टकट्स के यूज कैसे करें? देखिए, शॉर्टकट ऐसा नहीं कि इसको आप संस्कृत की श्लोक की तरह रट्टा मार गए और उसको कपूर गौरण करना वतरम शुरू कर दिए, नहीं, इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको एंटर प्रेस करना होता है तो आपका दिमाग कीवर्ड को नहीं देखता है, आपका उंगली ऑटोमेटिक चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कीबोर्ड पे एंटर का लोकेशन आपका दिमाग और आपके हाथ के ऊपर उंगली के ऊपर तालमेल बैठा हुआ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसी तरीके से बाकी ऑप्शंस भी यूज करोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे यूज करें? तो देखिए, ऑफिस में अगर आपके पास घंटे दो घंटे का ऐसा टाइम होगा जिसमें आपके पास काम बहुत कम होगा या काम होगा तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में टाइम लगेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप तुरंत कटाकट कर देंगे, नहीं,
शुरुआत में आपको टाइम लगेगा। ओके, तो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको धीरे धीरे करना होगा। दूसरी चीज, हर एक चीज की शॉर्टकट से वर्क नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है जिसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है या है तो याद नहीं, तो अपना कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। जैसे कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप ऊपर देखिए मेनू बार में सारे मेनू बार हमारे एक्टिवेट हो। अब मुझे इसे होम मेनू में जाना है तो एज को प्रेस करूंगा, तो एज होम मेनू बार के सारे ऑप्शन हाईलाइटेड हो गए। बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद हो जाएगा ऑल्ट बी, ऑल्ट एच, बी के, और भी सारे कमांड आपको दिख जाएंगे। ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट्स के बाद अगली जो टॉपिक आएगी लिमिटेशंस की टॉपिक आएगी। लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन को पढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दीजिए। मेरा नया ऐप आ गई है, नया मोबाइल ऐप आ गया, जहां से आप डायरेक्टली फ्री और प्रीमियम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फटाफट नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटेशंस मतलब कि मुझे हर एक ऑप्शन के लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, किस ऑप्शन का क्या लिमिट है। तो उसको पता करने का सिंपल तरीका वही है, हेल्प में जाइए या फिर टेल मी मोर पे आइए और सर्च कीजिए लिमिट, लिमिट्स या आ गया 10 रिजल्ट गेट ऑन हेल्प लिमिट का, इस पर क्लिक कीजिए। Exemplifications and limits. Limits की क्यों हमें जाता है कि इसको पता होना चाहिए किस ऑप्शन का क्या limitations है। जैसे कि कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, रो है, कॉलम विड्थ क्या है, कॉलम की हाइट क्या है, पेज ब्रेक क्या है, ये चीज। अब इस चीजों को ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम्स कोई देना है इसलिए इसको आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, अपने काम में यूज करना चाहते हैं, फिर भी पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप वीवीएम प्रोग्रामिंग की मदद से आपको डेटा डाल दें, आपको एक बड़ा सा कॉलम चाहिए, तो आप वीवीएम में कोड लिखेंगे कि रेंज डीवाईडी डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू 500, बट इसकी करेक्टर की लिमिट तो 255 है, तो 500 करेंगे तो एरर देगा। आप देखो अभी कोड तो सही लिखा, एरर क्यों दे रहा है? उस समय आपको पता होगा कि वो लिमिटेशन में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक बार लिमिटेशन को चेक कर लो। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला वर्क कर रहा था, जैसे उसमें कंडीशन ऐड कर रहा था तो वर्क नहीं कर रहा था, कंडीशन डिलीट कर देता था वर्क नहीं करता था, बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया था। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है कि एक सेल के अंदर आपका 32,767 करेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो प्रॉब्लम है। तो उस केस में जैसे मैंने यहाँ पे इफ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इफ में कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं या कितना और लगा सकते हैं और में कंडीशन दे सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिटेशन डिफाइन नहीं है। बस जो आप टाइप करते हैं, यहाँ टाइप किया तो कितने करेक्टर हो गया, 3 to 5, 6 करेक्टर, ऐसे 32,000 करेक्टर पूछ जाएगा तो समझिए आपका फॉर्मूला वर्क करना बंद कर देगा। ये लिमिटेशन थी।